जिला पुलिस यातायात विभाग द्वारा शरारती बाइकर्स के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है, जिसके तहत होली त्योहार के पूर्व से ही अनावश्यक फटाकों की आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगी मोटरसाइकिलों को पकड़कर साइलेंसरों को निकालकर जब्त करने सहित चालकों को सख्त चेतावनी दी जा रही। पूरे भिलाई शहर में आजकल ऐसे दोपहिया चालक सरेआम घूमते मिलेंगे, जो अपने मोटरसाइकिल में कुछ अजीबोगरीब साइलेंसर्स लगाकर पटाखों की आवाजों के साथ अन्य तरह की आवाजों भी अनावश्यक तौर पर निकालकर आम जनमानस एवं पुलिस प्रशासन को परेशान करते हैं। अब उन्हें सतर्क हो जाना पड़ेगा, क्योंकि दुर्ग जिला पुलिस यातायात विभाग द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ होली त्योहार के पूर्व से ही एक अभियान छेड़ दिया गया है, जिसके तहत प्रतिदिन शहर भर से गुजरते हुए ऐसे दोपहिया चालकों को पकड़कर इनकी वाहनों से इन साइलेंसरों को निकालकर जब्त किया जा रहा है और कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी जा रही है कि दोबारा ऐसा पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई से उन्हें गुजरना पड़ सकता है। इन साइलेंसरों से निकलने वाली आवाज़ इतनी कर्कश होती है और इतनी भयानक होती है कि यह दिल के मरीजों के लिए प्राणघातक साबित हो रही है। इसलिए जरूरी भी है कि ऐसे दोपहिया चालकों पर नकेल कसी जाए। यातायात विभाग के उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ने कार्रवाई की जानकारी दी और ऐसे युवाओं के पालकों को नसीहत भी दी कि वह भी अपने बच्चों पर ध्यान रखें और उन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाएं। अभी देखिए, अभी गए दिनों होली के दौरान भी हमारे द्वारा 2-3 दिन में करीबन ऐसे 238 गाड़ियों को जब्त किया गया था। कुल होली में 550 के आसपास गाड़ियों पे हमने चलानी कार्रवाई किया था इस तरीके का, जिसमें जैसे हुड़दंग या फटाके वाले गाड़ियां थी, करीबन 250 के आसपास गाड़ियां थी जिनको जब्त किया गया था और उनको बाद में चलान करके फाइन करके छोड़ा गया और उनके साथ ही साथ उनके साइलेंसर की निकालने की कार्रवाई भी की गई कि जो फटाका फोड़ते हुए जा रहे थे। ये कार्रवाई अब लगातार चलेगा। आज भी हमारे द्वारा कुछ कार्रवाई की जा रही है और इनको पकड़ने के लिए हमने एक सिविल टीम भी तैयार किया है, जो ऐसे लोगों के ऊपर और जो मोहल्लों में जाके फटाके फोड़ते रहते हैं उनकी जगहों पे जाके उन पर नज़र रखेंगे और अगर ऐसे कोई पाते किसी को पाएंगे जो फटाके फोड़ते हुए या लोगों को इरिटेट करते हुए जा रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, हुल्लड़ कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे निश्चित तौर पे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर पे ये संस्कार की बात है कि अभी जो भी है समाज में और पेरेंट्स को इन चीज़ों को देखना चाहिए, अभिभावक को, कि उनके बच्चे कैसी गाड़ी पे जा रहे हैं, किनके साथ दोस्ती है उनकी, अच्छे लोगों से दोस्ती रखें और सभ्यता से पेश आएँ दूसरे लोगों के साथ में, ये निश्चित तौर पे पेरेंट्स को देखना चाहिए। दुर्ग पुलिस यातायात विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर शहर के युवाओं में थोड़ा खौफ देखने को मिल रहा है, परंतु जरूरी होगा कि कार्रवाइयां इतनी सख्त हो कि ऐसी हरकत करने से पहले वाहन चालकों को एक बार इन पर होने वाली कार्रवाइयों की याद जरूर आ जाए। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।